अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड नाम आते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि डीएनए एंड आरएनए, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा जितना इसको ये कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाई देता है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है? और इसको अगर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं जैसा आपको पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ते जाना, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हम बेसिक, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बंद करो। पहली बात तो टाइम से क्लास के अंदर आ जाओ अगर आना है तो, या फिर आया ही मत करो। तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से जानना शुरू करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली आप देखेंगे आपके कंसर्न की दो चीज़ें हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का क्या मतलब है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या मतलब है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर कुछ, दोनों के अंदर ही लगभग सिमिलरिटी होती है, बिल्कुल बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके लेवल पर आप मान सकते हो कि लगभग सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इसके अंदर होगी शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोसेकेराइड टाइप जो मॉलिक्यूल आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा होगा फॉस्फेट, और तीसरी चीज होगी नाइट्रोजीनस बेस। तीन चीज, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अब कुछ चीजें और जानने वाली हैं। देखिए, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? हाँ, न्यूक्लियो साइड। अच्छा, अब इसको ये मानिए शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, इतना क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है ना? तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, जो डीएनए और आरएनए है इनको पॉली न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ये भी एक पॉलीमर है। तो हम लोग अगर एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, हमें डीएनए को पढ़ना भी आसान हो जाएगा और आरएनए को पढ़ना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अभी हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। हम बेसिकली उसके जो सभी कंपोनेंट्स हैं, पहले शुगर की स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर नाइट्रोजिनस बेसिस की देखेंगे, फॉस्फेट में कोई विशेष है नहीं तो उसको भी हम देखेंगे। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको डीएनए और आरएनए की बिल्कुल केमिकल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुकी होगी और आप कोई भी प्रश्न जो है आप हल कर पाएंगे। तो देखिए, जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ रहे थे वैसी ही एक पेंटोज शुगर यहाँ पर होती है।
वही प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है यहां पर। एक आप जो भी लिखें बायो के अंदर वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट, यूं गंदा सा मत करना भाई। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है? शुगर की, और वो भी कौन सी शुगर? पेंटोज, राइबोज शुगर है ये। कितने कार्बन है इसके अंदर? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेंटोज। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? सिक्स, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हेक्सोज। ठीक है ना, तो ये पेंटोज शुगर है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, वही मिलेगा आपको, क्या है? C5H10O5। देखो जरा, देखिए एक नंबर कार्बन ये है, दो ये है, तीन ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। ठीक है, पांच कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, और ये हो गए 9, और ये हो गए 10। टोटल ये क्या हो गया? पूरा है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है ये? ये राइबोज है। अच्छा, राइबोज किस में होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है ना, उसमें राइबोज शुगर होती है। और डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज। वहाँ ये वाला ऑक्सीजन निकल जाता है, इसलिए वहाँ पर डीऑक्सी, डीऑक्सीडेशन हो गया ना, तो डीऑक्सी। तो चलिए इसी से हम समझते हैं सारी चीज़ें। अब इसके अंदर क्या आएगा? ये तो केवल पेंटोज शुगर है, और यहाँ पर जो आने वाले हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजिनस बेसिस आएंगे। नाइट्रोजिनस बेसिस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप हैं मेजर, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स की स्ट्रक्चर को बेसिकली आप ध्यान में रखें, बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी। प्यूरीन के एग्जांपल्स कौन कौन हैं? एडिनिन, एंड गुआनिन। ठीक है, पिरिमिडिन्स के कौन कौन एग्जाम्पल हैं? थायमिन, दूसरा कौन सा है? साइटोसिन, और यूरेसिल। देखिए यहां पर नाइट्रोजन है, यहां भी है, ठीक है, इधर यहां भी है, यहां भी है, कई जगह इनके अंदर होती है। ठीक है, आप सिर्फ स्केलेटल स्ट्रक्चर याद रख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी ही होगी, चाहे एडिनिन है या गुआनिन है, दोनों की बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी होगी। उसमें जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे NH2 लग गया, कहीं पे
CH2 ग्रुप लग गया, वो इस तरीके से थोड़ा अलग हो सकता है, या OH ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरीके से थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर तो ऐसी ही होगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि प्यूरिन की स्ट्रक्चर ऐसी है और पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने ये जो शुगर बनाई थी, यहां पर क्या है, जो कोई भी नाइट्रोजिनस बेस है वो यहां पर आके लग जाता है, हमने एन बनाया था ना, यहाँ देखिए यहाँ अटैच हो जाता है ये, ठीक है, इस तरीके से। और अब ये क्या बन गया, जरा शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या बन गया, न्यूक्लियो साइड, ठीक है। अब जो यहां जो कंडीशन उत्पन्न होती है, न्यूक्लियो साइड के बाद क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या है, वैसे तो आप बनाओ तो पूरा ग्रुप बना सकते हो यहां पर इस तरीके से, जैसे फॉस्फेट आता है ना, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, याद नहीं है, गिन लो, सामने लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे और जुड़े होते हैं इसी तरीके से फॉस्फेट, ठीक है। बेसिकली अगर आप न्यूक्लियोटाइड को दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये तो इतना तो क्या है, न्यूक्लियोसाइड, जो फॉस्फेट जुड़ने के बाद क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर OH होता है, बाकी चाहे आप स्ट्रक्चर में बनाएं या ना बनाएं, यहाँ OH आपको बनाना जरूरी है। देखिए, 1 नंबर 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, 3 नंबर पे क्या होता है, OH होता है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड तो यहाँ तक था, फॉस्फेट जुड़ने के बाद न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर देखिए, फॉस्फेट जो है, जब ये फ्री होता है, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, अकेला न्यूक्लियोटाइड होता है, तो 3 फॉस्फेट होते हैं। आपने एक नाम भी सुना होगा, एटीपी नाम सुना है ना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब एक बात और ध्यान रखना, आपने नाइट्रोजिनस बेसिस देखे अभी, यहाँ पर एडिनिन, गुआनिन इस तरीके के नाम थे। जब एडिनिन के साथ पेंटोज शुगर आ गई तो हम उसको क्या कहेंगे, एडिनोसिन, एडिनोसिन कहेंगे। और जब उसमें फॉस्फेट और आ गई तो एडिनोसिन फॉस्फेट, और 3 फॉस्फेट हैं इसलिए हम क्या कहेंगे, ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये जो हम बात करते हैं ना, ATP बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बन रही है, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP बन रही है, इस तरीके की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड ही बन रहे हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जो है ना, यही ATP जो है, यही एनर्जी की करेंसी है। इनके जो बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है। जो ATP की हम बात करते हैं वो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है, मैं आपको बताता हूं बात।
देखिए हमने ये देख लिया, ये शुगर है, ये नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ पर क्या था ये याद रखना, और यहाँ पर CH2 था, और उसके साथ जो है O और तीन फास्फेट से, ठीक है, तीन फास्फेट से। अब ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियो टाइड है ना, सेकेंड न्यूक्लियो टाइड आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा OH है, और यहाँ पर क्या है CH2 और तीन फॉस्फेट्स हैं, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। जब ये इसके पास आएगा तो उस टाइम यहाँ से दो फॉस्फेट निकल जाएंगे, दो फॉस्फेट यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये मैंने मिटा दिए हैं यहाँ पर। और यहां से जो है, अब बात सुनिए आप, अभी बनेगा तब देखना, यहां CH2 है, यहां आ गया O, फिर फॉस्फेट और फिर O, ठीक है। तो यहां पर देखिए फॉस्फेट के दोनों तरफ देखिए, ऐसा है ना, इस तरीके का बॉन्ड आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का क्या नाम है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ये क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड जो है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये क्या है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियोटाइड तो यहां जुड़ेगा इसी तरीके से, फॉस्फेट निकल जाएंगे, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, यूं यूं करते करते आपको देखिए यहां पर जो दिख रहे हैं वो कितने फॉस्फेट होंगे, तीन, यहां जुड़ते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। नीचे जो होगा, जो शुगर होगा उसका OH एंड फ्री होगा ना। अच्छा यहां पर देखिए जरा दूसरी साइड क्या होता है, इसके उल्टे ए के साथ डबल बॉन्ड से क्या जुड़ता है, टी, और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ता है, सी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा ए और जी क्या है, प्यूरीन है कि पिरिमिडीन है, प्यूरीन है ना, और टी और सी क्या है, पिरिमिडीन। तो प्यूरीन जो है वो किसके साथ जुड़ता है, पिरिमिडीन के साथ, ये भी आपको याद रखना है। अब इसको देखिए, अगर आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है नॉर्मली, और डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड। फर्क क्या होगा, आरएनए में तो यहां पर क्या होगा, OH, और डीएनए में यहां क्या होगा, सिर्फ H, ठीक है। तो दोनों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर यहां पर डीएनए आता है तो उसके साथ क्या होगा, देखिए जरा, यहाँ पर कौन सा है, कितने नंबर कार्बन होगा, एक दो और तीन नंबर, ठीक है। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फ्री होगा, तीन पी। अगर आप अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, ये बिल्कुल उल्टे जुड़े हुए ना। अगर ये एडिनिन है और ये थाइमिन है तो डबल बॉन्ड है,
और अगर ये जी है और ये सी है तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये कैसे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आ जाने के कारण बॉन्ड्स बनते हैं। अगर देखिए ये पूरा दोनों तरफ बन जाता है तो इस तरीके से, एक तरफ तो क्या है यहाँ पर 3 फॉस्फेट फ्री होंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर 3 फॉस्फेट फ्री होंगे। चलिए मैं नई स्लाइड बनाता हूँ, पूरा बन गया तो यहां पर 3 फॉस्फेट फ्री होंगे और दूसरी तरफ यहां पर 3 फॉस्फेट फ्री होंगे। ये कितने नंबर कार्बन पे थे, कितने नंबर पे थे, पांचवे थे, और ये भी पांच पे। फ्री क्या था, OH कितने नंबर पे था, तीन पे। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, इनको पैरेलल ना कह के हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल कहेंगे, क्योंकि इसका एक एक का जो 5' एंड इधर है, दूसरे का 5' एंड इधर है। तो इस तरीके से पूरा डीएनए बन जाता है। और डीएनए की जो आप जो स्ट्रक्चर बुक के अंदर पढ़ते हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो आप पढ़ते हो, उसमें जरा फिर आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर क्यों बनती है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण जो है पूरा एक 3D स्ट्रक्चर जो बनती है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे आगे इसको। तो ये टोटल न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में था। अब आपको RNA और DNA दोनों चीज़ें क्लियर है ना, एक बार फिर से थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं। RNA के अंदर कौन सी शुगर, दोनों के अंदर पेंटोज शुगर है, RNA के अंदर कौन सी है, राइबो शुगर, ठीक है। DNA के अंदर कौन सी है, डीऑक्सी राइबो शुगर। अब इनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ेंगे वो प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स हैं। एडिनिन गुआनिन दोनों क्या है, प्यूरीन्स, और पिरिमिडीन्स क्या है, साइटोसिन यूरासिल एंड थायमिन, ठीक है। अब एक फर्क और होता है, देखिए पहली चीज तो डीऑक्सी राइबोज के अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है तो इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं। सेकेंड जो चीज़ है उसमें थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये दो मेजर जो दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। तो आपको पूरा क्लियर है ये, एक बार वापस देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर और देख लीजिए। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस क्या है, न्यूक्लियोसाइड, और उसके साथ फॉस्फेट और आ गया तो क्या बन गया, वो न्यूक्लियोटाइड। तो इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं, किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।